आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान है, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सब क्या, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी है, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखा, अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या काल सर्प दोष पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना काल सर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था, क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे, लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा खलियान खेत वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, वो भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे, इसलिए ना पितृ दोष होता था ना काल सर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के घर में दिखता है वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी ने ले जाकर डाल दिया, जाकर डाला, तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म जो काल सर्प,